हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन 3 वर्सेस पाइथन 2। हम इस कंप्लीट कोर्स में सीखेंगे पाइथन 3 और आज हम वही बात करेंगे कि हम पाइथन 3 क्यों सीखेंगे। देखिए हुआ क्या था, 2008 में जो पाइथन के क्रिएटर हैं गुइडो वैन रोसम, उन्होंने सोचा कि जो पाइथन 2 है उसमें काफ़ी कमियां हैं और मुझे उन्हें पूरा करना चाहिए, मुझे उन्हें दूर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कंप्लीट पाइथन 3 रिलीज़ की 2008 में। बट एक प्रॉब्लम थी उस टाइम। प्रॉब्लम क्या थी, जो पाइथन 3 थी वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं थी। मतलब आप पाइथन 2 का कोड पाइथन 3 से नहीं चला सकते थे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बट जितना भी था बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था। और एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपना सारा कोड पाइथन 2 में लिखा हुआ था और उनको पाइथन 3 में माइग्रेट करना था, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी कि पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल तो है नहीं। उसके बाद जो पाइथन 2 में जो लाइब्रेरीज थी, ठीक है, उन्हें पाइथन 3 के लिए फिर से लिखना पड़ा, ठीक है। और 2008-10 तब तक पाइथन 3 के लिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज नहीं थी। तो इसलिए क्या किया, क्या डिसाइड हुआ कि पाइथन 3 को हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते रहेंगे, इसकी लाइब्रेरीज आती रहेंगी और पाइथन 2 को भी हम मेंटेन करके रखेंगे। ओके, बट आज 2018 आ चुका है और अब क्या है, सारी की सारी कंपनीज जितनी भी हैं जो पाइथन 2 यूज़ कर रही थी वो सारी माइग्रेट कर चुके हैं पाइथन 3 की तरफ। पाइथन 3 में सारी लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन 2 में थी और पाइथन 3 की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर है पाइथन 2 से। इसीलिए आज अगर हम सीखना चाहेंगे तो पाइथन 3 ही सीखना चाहेंगे। और एक और बात, जो पाइथन 2 है जो अभी तक मेंटेन्ड है वो 2020 तक ही मेंटेन्ड रहेगी। उसके बाद पाइथन 2 की कोई भी लाइब्रेरी नहीं आएगी, कोई भी उसका कोड मेंटेन नहीं रहेगा। तो अभी पाइथन 3 ही सीखने में फ़ायदा है, पाइथन 2 सीखने में अभी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए हम इस ट्यूटोरियल में पाइथन 3 सीखेंगे।